सलाम नमस्ते, मैं हूँ दिलीप कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। हमारे सब्सक्राइबर जो कि सिकंदराबाद से हैं, थी प्रिया गुप्ता जी, उन्होंने बोला कि सर आपकी पाटलिपुत्रा का जो यार्ड है वो अभी कैसा दिखता है और क्या क्या वहाँ पर जो है सुविधाएँ दी गई है पाटलिपुत्रा जंक्शन के यार्ड में, वो हमें आप दिखा दीजिए कि वो अभी कैसा बन चुका है। तो जैसा कि हमने पहले दो बार कवर किया है तो अभी तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है मैं आपको आज दिखा देता हूं। तो अभी मैं आपको पाटलिपुत्रा का यार्ड दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं सामने यहां पर दो रेलवे लाइन है जो कि अभी आधा ही काम हुआ है। आप देख सकते हैं अभी एक पर स्लीपर बिछाया गया है और सामने आपको एक जो है मेन लाइन जो है वो चालू लाइन है जिस पर ट्रेनें आती जाती हैं। और इधर आपको एक चीज़ नया दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर जो है क्वार्टर बन रहा है जो कि यहाँ पर रेलवे के स्टाफ रहेंगे और प्लस यहाँ पर एक जो है पिट लाइन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हालांकि मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा। और यहाँ का एक और जो नया अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है पानी टंकी को बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो यही वो पानी टंकी है जो कि आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। आपको ये एक नया अपडेट है, मतलब कि अभी ये बन रहा है और इसका भी काम अभी आधा ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और सामने आपको बाउंड्री दिख रहा होगा रेलवे का कि मतलब कि जो कॉलोनी के जो लोग हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते, इसलिए इस बाउंड्री को जो है यहाँ पे लगाया गया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है मैं दिखाऊंगा पिट लाइन। जी हाँ, जो यहाँ पर रेलवे का जो वॉशिंग होगा, जहाँ पे रेलवे आके ट्रेन खड़ी होंगी, जहाँ पे उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, तो मैं आपको सीधे वहीं लेके चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि उसका भी कितना काम हो चुका है। तो यही इसका पिट लाइन है, आप देख सकते हैं ये इसका लगभग जो पूरा काम है वो जो है हो चुका है। ये जो है क्या होगा, जैसा कि हमने आरा जंक्शन में आपको दिखाया है कि इस पर ट्रेनें आएंगी और यहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाएगा, और ये लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, सिर्फ इस पर अब ट्रैक बिछाना है। जी हाँ, और इधर आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा रेलवे का क्वार्टर जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था जो कि बन रहा है। आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है रेलवे के स्टाफ रहेंगे। और ये देखिए पिट लाइन पूरा कम्प्लीट हो चुका है, बाकी का कैंपस अभी पूरा खाली है क्योंकि ऐसा माना गया है कि यहाँ पर जो है 10 से 12 रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा आने वाले समय में। तो आपने मेरे पीछे देख लिया, ये पिट लाइन है जहाँ पर ट्रेन को जो है वॉशिंग किया जाएगा और यहाँ पर आने वाले समय में और भी बहुत सारी गाड़ियों का विस्तार होगा। लेकिन अभी ये बन ही रहा है यार्ड, इससे पहले हमने आपको दो वीडियो आपको हमने दिखा चुका है, लेकिन अभी ये जो है यार्ड बन ही रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो आप बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया, ये रेलवे का मतलब कि जो क्वार्टर बन रहा है। जी हाँ, मतलब कि यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में जो कर्मचारी रहेंगे वो लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पर अपना काम करेंगे। तो जितना भी खाली सा आप ग्राउंड देख रहे हैं, इन सब में जो है रेलवे लाइन जो है बिछाया जाएगा, जो कि अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली है। पाटलिपुत्रा का यार्ड जो ये बन रहा है, लगभग पाटलिपुत्रा स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे आपको ये पड़ेगा और काफ़ी अच्छा बन रहा है। मतलब कि हमारा बिहार जो है आगे बढ़ रहा है बड़े बड़े स्टेशनों में, जैसे कि आप लोकमान्य तिलक देख रहे हैं, राजेंद्र नगर देख रहे हैं, सिकंदराबाद देख रहे हैं, वैसे स्टेशनों में हमारा गिनती होगा अब। जी, और थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या काम यहाँ पे अभी हो चुका है पाटलिपुत्रा जंक्शन के यार्ड में। और सामने आप एक रास्ता देख सकते हैं, इस तरह के रास्ते में हमें जो है कभी भी रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्कूटी वाले भैया देखिए और साइकिल वाले भैया कितना गलती कर रहे हैं, ऐसे लेवल क्रॉसिंग को कभी भी हमें पार नहीं करना चाहिए। और थोड़ा आगे आएंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेलवे लाइन है वो जो है अभी पूरी तरह से बिछाया नहीं गया है, मतलब कि अभी जो रॉड है वो इसी तरह से रखे हुए हैं। और सामने आप देख सकते हैं स्लीपर भी अभी नहीं लगाया गया है, जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया था। तो यहाँ पर भी अभी जो है दो रेलवे लाइन अभी यहाँ पर तत्काल बिछाए जाएंगे। तो मेरे पीछे ये जो लाइन देख सकते हैं ये अभी अनकम्प्लीट है, इसको अभी कंप्लीट नहीं किया गया है और इस पर अभी दो ट्रैक बिछाया जाएगा। जैसा कि हमने पीछे आपको दिखाया था कि स्लीपर अभी रखा हुआ है लेकिन ट्रैक को अभी नहीं बिछाया गया। मेनली यहाँ पर जो है 10 से 12 ट्रैक अभी बिछाए जाएंगे पाटलिपुत्रा के यार्ड में और आने वाले टाइम में बहुत सारी गाड़ियों को यहीं से खोला जाएगा। फिलहाल अभी एक लेवल क्रॉसिंग है जो कि सबसे खतरनाक क्रॉसिंग है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सामने आपको एक लेवल क्रॉसिंग दिख रहा होगा जो कि इस तरह का लेवल क्रॉसिंग जो है काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि ट्रेनें कभी भी आज आ सकती हैं। और सामने आपको दिग्घा एम्स एलिवेटेड, तो इस तरह का लेवल क्रॉसिंग अगर आप पार करते हैं तो थोड़ा सा संभल के पार करिए क्योंकि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर ही ऐसे क्रॉसिंग को पार करते हैं, कभी भी ऐसा क्रॉसिंग को पार नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे से आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं थोड़ा मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ,
किस तरह से लोग जो है इस रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, तो कभी भी ऐसे हमें नहीं पार करना चाहिए रेलवे क्रॉसिंग को। और ये भी जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये रेलवे का ही ज़मीन, आप देख सकते हैं कितना दूर में जो है रेलवे ने ज़मीन को लिया है, और जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा यार्ड इसे बनाया जाएगा। तो हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आप जो है एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में पाटलिपुत्रा से बड़े बड़े शहरों के लिए, जैसे कि बेंगलोर, सिकंदराबाद, कोलकाता, ऐसे शहरों के लिए यहाँ से जो है पाटलिपुत्रा से ट्रेनें जो है खुलेंगी आने वाले टाइम में, जब ये यार्ड जब पूरा बन करके शुरू होगा उसके बाद। तो कैसा लगा आपको पाटलिपुत्रा यार्ड का एक नया अपडेट? जो भी बातें थी छोटी मोटी सब हमने आपको बता दिया। तो अब देख सकते हैं यही है पाटलिपुत्रा का यार्ड, हमने आपको दिखा दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें और अपने ट्रेवल विद दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।